वर्ल्ड स्काई में आपका स्वागत है। घर में छोटे बच्चे अक्सर सोते हुए मैट्रेस पर पेशाब कर देते हैं, जिसके दाग मैट्रेस पर रह जाते हैं। इसके अलावा कई बार रात को सोते समय पीरियड के दाग भी गद्दे पर रह जाते हैं। हालांकि इससे गद्दे खराब तो जरूर हो जाते हैं और इन्हें साफ करना बहुत मुश्किल काम लगता है, लेकिन आज हम आपको बताएंगे कि आप अपने गद्दों पर लगे स्टेन को कैसे साफ कर सकते हैं। आप अपने मैट्रेस को एकदम नई जैसी बनाने के लिए बस कुछ सिंपल सी घरेलू चीजों का इस्तेमाल करने की जरूरत पड़ती है। आइए जानते हैं कि कैसे गद्दों या मैट्रेस से दाग को निकाला जाए। दाग को निकालने के लिए अतिरिक्त लिक्विड को सोख लें, बेकिंग पाउडर डालें और बदबू हटाने के लिए विनेगर सॉल्यूशन का इस्तेमाल करें। पुराने सूखे धब्बों के लिए दाग निकालने के लिए हाइड्रोजन पेरोक्साइड सॉल्यूशन तैयार करें। कपड़े से करें साफ। एक पुराना सूखा कपड़ा लें और ज्यादा से ज्यादा लिक्विड को सोखने के लिए उसे दाग के ऊपर रखें, जब तक कि मैट्रेस केवल गीली ना रह जाए। तब तक ऐसे ही सोखना जारी रखें। कपड़े टॉवल गीले हो जाने के बाद उन्हें बदल दें। बेकिंग सोडा डाल दें, एक चम्मच लें और पूरे दाग के ऊपर एक चम्मच भर बेकिंग सोडा फैला दें। इसकी ज्यादा मात्रा इस्तेमाल करने को लेकर परेशान ना हो, क्योंकि इससे मैट्रेस को कोई भी नुकसान नहीं होगा। दाग के सारे हिस्से के ऊपर बेकिंग सोडा डाल दें। व्हाइट विनेगर से हटाएं। एक स्प्रे बॉटल में एक भाग व्हाइट विनेगर और एक भाग पानी मिला लें। पानी और व्हाइट विनेगर को सीधे स्प्रे बॉटल में डालें। सॉल्यूशन को और स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए मिलाए जाने वाले पानी की मात्रा को कम कर दें। मैट्रेस के ऊपर एकदम शुद्ध व्हाइट विनेगर से स्प्रे करना भी ठीक रहता है। हालांकि इसमें स्ट्रॉन्ग बदबू आती है, लेकिन ये बदबू आखिर में गायब हो जाएगी। व्हाइट विनेगर बदबू को न्यूट्रलाइज करती है और दाग को निकालने में मदद करती है। 18 घंटे तक मैट्रेस को सूखने दें। अगर आप मैट्रेस को वैक्यूम करने का प्लान कर रहे हैं तो उसे 18 घंटों तक सूखने दें। 18 घंटे के बाद मैट्रेस के पूरे सूखने की जांच करें और इसके सूख जाने के बाद बेकिंग सोडा को वैक्यूम कर दें। इन टिप्स को अपना कर आप अपने गद्दे और मैट्रेस पर लगे दागों को हटा सकते हैं। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। इसी तरह की अन्य जानकारियों के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ।